शुरू करें। ये एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो कि आपका रेलवे हो, एसएससी हो या फिर उड़ीसा गवर्नमेंट हो, कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, खास करके उड़ीसा गवर्नमेंट में 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है कि आप थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो पूरा सीख भी जाएंगे, लेकिन एक बार बहुत अटेंशन से देखना होगा और अच्छे से सीखना पड़ेगा। एक बार सीख जाएंगे तो पूरा पूरी सीख जाएंगे, बहुत आसान सा टॉपिक। क्लियर, तो शुरू करें। तो इसमें जैसे हम लोग का टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलसीएम के बारे में, फिर एचसीएफ के बारे में, फिर दोनों को मर्ज करेंगे, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन का बात करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन मोस्ट प्रॉब्ली अगले क्लास में होगा, आज नहीं हो पाएगा, तो आज हम लोग इतना करेंगे। क्लियर है, शुरू करें। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मल्टीपल। ठीक है, बचपन से हम लोग जिसे जानते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन टेबल जानते हो या नहीं? ठीक है, उसी को बोलते हैं मल्टीपल। क्लियर, जैसे मल्टीपल ऑफ सिक्स क्या होगा? ट्वेंटी फोर, थर्टी, 36, 42 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेगा। यस और नो, कोई दिक्कत है? अच्छा, मल्टीपल ऑफ नाइन क्या होगा? नाइन, 18, 27, 36, 45, 45। क्लियर, तो मल्टीपल का आइडिया लग गया आपको, मल्टीपल क्या होता है? यस और नो, सभी को लग चुका है? ठीक, तो पैरेलली लिखते भी रहेंगे आप लोग। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, अब मुझे बताना सिक्स कॉमन नाइन का कॉमन मल्टीपल क्या क्या है? 18, 36, फिर आगे कौन सा होगा? 54, फिर आगे कौन सा होगा? 72, इस तरीके से चलते रहेगा। यस और नो, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोल सकते हैं? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा किसी को। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यदि मैं बात करूं लीस्ट और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, देखना दोस्त ध्यान से, एलसीएम ऑफ सिक्स कॉमन नाइन क्या हो जाएगा दोस्त? सबसे छोटा वाला नंबर क्या है? 18। यस और नो, तो यही हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं किसी को? नोट इट डाउन, थोड़ा जल्दी से लिखना। थोड़ा फास्ट रहे हैं आप लोग। हाँ, क्या 18 क्यों हुआ? क्या बोला गया? सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? क्लियर, कोई डाउट? अंबा, हो गया यहां तक?
जल्दी लिखो, लेट नहीं करो। जब बोल रहा था लिखने के लिए लिख नहीं सकती थी। टाइम को किल करने का आपको कोई राइट नहीं है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सब सब यदि लिख पा रहे, आप नहीं लिख पा रहे तो इट मीन्स योर फॉल्ट। ऐसे एक एक स्क्रीन पढ़ाकर मैं खत्म करूंगा और आपको लिखने का टाइम दूंगा, सोचिए मेरा खत्म कब होगा। सोच पा रहे? ठीक है, यहाँ तक बात हम लोग पढ़ लिए। मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एज वेल एज एलसीएम क्या होता है, हम लोग यहाँ तक समझ लिए है ना। अब बात करें, मीनिंग ऑफ एलसीएम, एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएंगे? यार वो फुल फॉर्म है, एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, नॉट मीनिंग। ये सर ना, ठीक है, सबसे छोटा वाला मल्टीपल, हिंदी में बोल दिए। चलो खैर, लिखिए एलसीएम का मीनिंग, लिखिएगा एलसीएम ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर, LCM of given set of number is a number which when divided by given number leaves no remainder. लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर इज ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय गिवन नंबर लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, लिख लिया यहां तक? यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो मुझे बताना, अभी हम लोग निकाले थे एलसीएम 6.9 का, कितना आया था? तो 18 आया था ही नहीं। तो मुझे बताओ दोस्त, एलसीएम ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज ए नंबर, 18 इज ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इट मीन्स व्हाट? 18 को जब हम लोग डिवाइड करते किससे? 6 और 9 से। ठीक है, देख लेते हैं, 18 को आप 6 से डिवाइड करो या फिर 18 को आप 9 से डिवाइड करो, दोनों ही केस में रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। यस और नो? कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हैं। इस केस में जीरो रिमाइंडर, इस केस में जीरो रिमाइंडर। यस और नो? कोई दिक्कत? एलसीएम ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर इज ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय गिवन नंबर 6 एंड 9 लीव्स नो रिमाइंडर। क्लियर है? कोई डाउट? लिख लिए। हो गया? तो
चलो यहां तक बात क्लियर है। अच्छा अब मुझे एक बात बताना दोस्त, मीनिंग लिख लिए तो मुझे बता सकते हो एड्रेस ऑफ एलसीएम? एलसीएम का एड्रेस क्या होगा बता सकते हैं क्या? एयर क्रिएशन। क्या बोलते हो भाई? एलसीएम का एड्रेस पूछ रहा हूं, एलसीएम कहां रहेगा, न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में? एलसीएम हमेशा रहेगा न्यूमरेटर में रहेगा, क्योंकि उसी एलसीएम को ही डिवाइड करना है गिवन नंबर से। यस और नो? जब एलसीएम को हम लोगों को गिवन नंबर से डिवाइड करना है तो एलसीएम को कहां पर होना पड़ेगा बताइए? न्यूमरेटर में। तो ऑलवेज एलसीएम का एड्रेस क्या होगा? ठीक है, यहां पर कुछ बात लिखा हूं, इसको अंडरलाइन कर लेना, डिवाइडेड बाय को अंडरलाइन कर लेना। हाँ हाँ तो आगे तो बता दिया ना, यहां पर एलसीएम को मतलब लोएस्ट तो बता चुका हूं, दिक्कत क्या? क्लियर? हाँ ऐसे लिख सकते हो, इज द लोएस्ट नंबर, आप चाहे तो लिख सकते हैं इज द लोएस्ट नंबर। खुश? क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? अच्छा एलसीएम का एड्रेस पता चले, कहाँ रहेगा एलसीएम? न्यूमरेटर में। कभी भी एलसीएम बोले डिनोमिनेटर में होगा क्या? तो नहीं, एलसीएम कहाँ रहेगा दोस्त? न्यूमरेटर में रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो अब आगे बढ़ जाए, एलसीएम के बारे में हम लोग सब कुछ पता कर लिए है ना, मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उसके बाद हमने सिर्फ जाना फिर से मीनिंग क्या होता है एलसीएम का, उसके बाद एलसीएम का एड्रेस जाना। यस सर, यहां तक सभी का क्लियर है? ओके अब टॉपिक लिखिएगा, मेथड्स टू फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम निकालने का मेथड क्या क्या है? ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं एलसीएम ऑफ 15, 18, 36, इसका एलसीएम क्या होगा? क्या पूछा हूं? एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 36। ठीक है, मेथड वन। ठीक है, बचपन में जैसे निकालते थे 15, 18, 36 इस तरीके से निकालते थे। बोलो दोस्त, सबसे पहले क्या करते थे? दो से डिवाइड हो रहा है, दो से डिवाइड करेंगे 15, 9, 18। अभी भी दो से डिवाइड हो रहा है 15, 9, 9। अब किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से 5, 3, 3। अब किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से 5, 1, 1। अब किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से 1, 1, 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, बोलो दोस्त, दैट इज इक्वल टू 180। ये सुनो, ये सबसे पहले जो बचपन में हम लोग मेथड सीखे थे एलसीएम निकालने के लिए, ये मेथड सीखे थे। क्लियर है यहां तक? इसीलिए ये क्या कहलाता है? नुबड़ा मेथड।
ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा नूब वाला मेथड है। देख के लिखे तो गलती ही करे, बचपन में पढ़ी नहीं है, खुद से लिखो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ना? लिख लिए, आगे बढ़े आप। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा कुछ बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोग जानते ही नहीं जानते, फिर आप डिसाइड करेगा कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। पहले कुछ चीज़ मैं आपको सिखा दूँ। प्राइम नंबर आप लोग जानते क्या होता है? प्राइम नंबर जानते हो? बोलो तो। नहीं जानते तो फिर से बता दे रहा हूँ। दोज सेट ऑफ नंबर which has exactly two factor, those set of number which has exactly two factor, कौन कौन सा factor होगा उसका? One and number itself, factor का मतलब divisible by, वैसा number जो सिर्फ और सिर्फ दो number से divisible हो, किससे? वन से और खुद से, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। क्लियर? कोई डाउट है? ओके, क्लियर है यहां तक? अच्छा अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, टू, टू इज ए प्राइम नंबर, यस और नो? इज डिविजिबल बाय व्हाट? वन एंड टू, थ्री, वन थ्री, ठीक है, इलेवन, वन एंड फाइव भी होगा, सेवन भी होगा, सारा चीज तो कितना लिखोगे बैठ के, है ना? उसके बाद मुझे बताओ ट्वेंटी वन होगा क्या? क्यों नहीं होगा? वन थ्री सेवन ट्वेंटी वन, इतना सारा आ जा रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? अच्छा 97, वन एंड 97 प्राइम नंबर, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? बोलो दोस्त। एक्सेप्ट 21 ऑल द रिटर्न नंबर आर प्राइम, यस और नो? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। चलो प्राइम नंबर हो गया, क्लियर है ना? बोलो दोस्त, अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। बाकी सारा चीज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर है? को प्राइम नंबर, ठीक है, दोज सेट ऑफ नंबर which has exactly one common factor, one common factor, जिसका एक ही common factor होगा, ठीक है? That is one. सिर्फ और सिर्फ वन ही उसका कॉमन फैक्टर होगा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? एग्जाम्पल
5, 7 इज द सेट ऑफ को प्राइम नंबर. सेट ऑफ क्यों? 5 का फैक्टर बताओ क्या क्या? 1, 5 और 7 का 1, 7 को प्राइम कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर? 1. इसलिए क्या कहलाएगा? सेट ऑफ को प्राइम नंबर. क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, अब दूसरा सेट आपको दे रहा हूं, 4, 7 फोर कॉमा, चलो 7 बार बार लेंगे. आप बोलेंगे सर कितना बार 7 लेते हैं? 13. ठीक, 4 का फैक्टर बताओ दोस्त. 1, 1, 2 का 4, यस और नो? 13 का 1, 13 कॉमन फैक्टर 1. क्लियर है यहां तक? इसलिए क्या है? सेट ऑफ को प्राइम नंबर. यस और नो? छोटा बिजू समझ रहे हो? चलो, हो गया यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े. चलो भैया, अब देखो एक सेट और लेते हैं. एट 15, ठीक है? 8 और 15, मुझे 8 का फैक्टर बताओगे? 1, 2, 4, 8 15 का 1, 2, 3, 4, 5 कॉमन फैक्टर. इसलिए क्या है? सेट ऑफ को प्राइम नंबर. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, देखो एक सेट में मैं लिया 5 एंड 7, 5 एंड 7. दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, यस और नो? और को प्राइम भी है, 7 के साथ को प्राइम भी है, यस और नो? एक सेट में लिया 4 और 13, 4 क्या है? कंपोजिट नंबर. 13 क्या है? प्राइम नंबर. तो सेट ऑफ कंपोजिट एंड प्राइम, वो भी को प्राइम हो सकता है, यस और नो? एक सेट में लिया 8 एंड 15, दोनों ही क्या है? कंपोजिट नंबर. तो यहां पर दोनों कंपोजिट है, फिर भी सेट ऑफ को प्राइम नंबर है. तो को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है क्या? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यस और नो? बच्चे लोग का मन में ये डाउट होता है कि सर यदि को प्राइम है इसका मतलब प्राइम होना जरूरी है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं होता. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ओके, को प्राइम नंबर क्या होता है समझ गए? आगे बढ़ जाए तो प्राइम नंबर भी समझ गए आप लोग, को प्राइम नंबर भी समझ गए. बाद में ये नहीं बोल सकते सर ये क्या होता है बता दीजिए, पहले ही क्लियर है भाई. क्लियर है ना? या इसको हटाना चाह रहे हैं, कौन सा हट जा रहा है? यहां तक बात क्लियर है? चलो अब मेथड 2 का बात करें. मेथड 2, ठीक है? मेथड 2 जो होता है इसको बोलते हैं दोस्त प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. लिखना मतलब प्राइम नंबर के टर्म में लिखना ही पड़ेगा, यस और नो? कोई दिक्कत है? तो एलसीएम किससे इसका पूछा गया है? 15, 18, 36.
तो 15 को हम लोग प्राइम नंबर के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? थ्री इंटू फाइव, 15 बनाना है ना, वन का क्या जरूरत है, वन को कोई वैल्यू है मल्टीप्लीकेशन में? क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा 18 को लिखना है प्राइम नंबर के टर्म में, क्या लिखेंगे? 3 और 6 प्राइम है क्या? प्राइम लिखना है दोस्त, 2 एंड 9 प्राइम होता है क्या? प्राइम नंबर के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू, यस और नो? 2 और 3 प्राइम है कि नहीं? भले उसका पावर जो, उससे मतलब नहीं, प्राइम तो है। क्लियर है? अच्छा 36 को क्या लिखेंगे? 36 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? अच्छा अब बताएंगे एलसीएम कैसे लिखते हैं, यहां तक क्लियर है ना? अच्छा एलसीएम जो होगा ना दोस्त, एलसीएम जो होगा ना, जितना भी प्राइम नंबर लिखा है हर एक प्राइम नंबर को लिखो। क्या बोला? जितना भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है प्राइम, यहां पर 2, 3, 5, और हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है। क्या बोला? हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है। तो एक 2 एक प्राइम नंबर है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 स्क्वायर हो गया। 3 एक प्राइम नंबर है, उसका पावर कितना है हाईएस्ट? 5 एक प्राइम नंबर, उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 यही होगा। यहां पर भी देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 आया था, यस और नो? यहां पर भी सेम आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया मेथड 2 प्राइम फैक्टराइजेशन? क्लियर है? तो इसमें हम लोग करते क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। यस और नो? क्लियर है सभी को? हर एक बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? जिसको भी डाउट हो बेहिचक पूछना, नहीं तो बाद में टॉपिक बढ़ते चला जाएगा, ये छोटा सा जो बात है ना बाद में बहुत बड़ा टेंशन दे देगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर? चलो अब मेथड 3 का बात करें। बोलो दोस्त। देखो ये मेथड 2 जो है ना, इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। मेथड 2 पे ही क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ टू का क्यूब इंटू 3 to the power 4 एंड 2 to the power 5 इंटू 3 का स्क्वायर, इसका एलसीएम लिखना है। लिख पाएंगे? इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में आता है, खूब आता है। इतना लेट क्यों लग रहा है, आंसर तो आ जाना चाहिए था। एलसीएम लिखना है, प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर को लिखना है। 2 एक प्राइम नंबर, उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 एक प्राइम नंबर, उसका हाईएस्ट पावर कितना है? हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व करने मत लगना बैठ के, ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? समझ में आई बातें? कोई डाउट? इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा अब? ओके अब डिस्कशन नहीं करोगे, डाउट है मेरे से बात करेंगे। क्लियर? चल नेक्स्ट मेथड 3। अम्बा लास्ट टाइम बोल रहा हूं, उठा के सीधा सीधी चलता हुआ बस के सामने फेंक देंगे,
फिर क्या होगा? टॉम एंड जेरी देखो न? बन जाओगे, ठीक है? फिर बोलने के लायक बचोगे नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन में क्या था? एलसीएम ऑफ किसका बोलो? 15, 18, 36। इसको बोल सकते हैं टाइम एंड वर्क मेथड। टाइम एंड वर्क चैप्टर जब पढ़ोगे ना, इस मेथड का बहुत यूज करोगे, ठीक है? जब भी आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे अरिथमेटिक में, तो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होगा, इस प्रोसेस का, मेथड थ्री जो अभी हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? मेथड थ्री बोलता क्या है? कुछ नहीं कहना है, मेथड थ्री का सिंपल सा बात बोलता है कि भैया टेक दी लार्जेस्ट नंबर एंड फाइंड द मल्टीपल ऑफ द लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द रिमेनिंग नंबर। समझ में आया मैं क्या बोला? बड़ा वाला नंबर ले लो, उसका मल्टीपल निकालो और उस मल्टीपल को चेक करो बाकी सारे बचे हुए नंबर से कि डिविजिबल है या नहीं। यदि डिविजिबल है तो वही एलसीएम होगा, ठीक? लेकिन इस मेथड का कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है वो भी बात करेंगे। तो यहां पर बड़ा वाला नंबर क्या है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? मल्टीपल ऑफ 36। क्या क्या होता है? 36, 72, फिर क्या होगा? 108, फिर से क्या होगा? 144, 180 एंड सो ऑन। यस और नो? अब 36 को डिवाइड करो किससे? 15 से। रिमेनिंग नंबर 15 और 18 ही तो है, 15 से डिवाइड करो। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब 36 एलसीएम नहीं होगा। समझ में आया बात? 72 को डिवाइड करो 15 से, हो रहा है क्या? तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। 108 को डिवाइड करो 15 से, होगा क्या? 144 को डिवाइड करो, होगा क्या? 180 15 से हो जा रहा है, 18 से चेक करो वो तो होगा 180। यस और नो? 36 से तो होना ही है, इसलिए एलसीएम कितना हो गया? 180। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? इस मेथड का बड़ा वाला नंबर रहेगा तो आपको टेबल नहीं आएगा, तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? समझ में आई बातें? इस मेथड का लिमिटेशन क्या है? छोटे छोटे नंबर में चलेगा, इसलिए टाइम एंड वर्क में जो रहता ना, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा नंबर रहता है, तो उसमें ये मेथड चल जाता है। लेकिन जहां ही बड़ा वाला नंबर आ जाए तो वहां पर एक मेथड नहीं चलेगा, एलसीएम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। क्लियर? आप सोचो मैं कुछ इस टाइप का दे दूं आपसे, एलसीएम ऑफ दे दिया हूं मान लो 22, 44, 49। निकाल पाओगे इस मेथड? 49 का टेबल आता है? 49 का टेबल निकालो बैठ के। 147 या 148? 49, 98, 147। फिर तो ऐसे ऐड कर कर क्या आप बढ़ो, आगे बढ़ो, कितना आगे बढ़ोगे? ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये मेथड फेल कर जाता है। समझ में आई बात है? तो जब ये मेथड फेल कर गया तो फिर आएगा एक अलग मेथड, ठीक है? कौन आएगा? अलग मेथड आएगा, है ना? जब ऐसा बात हो जाए कि मामला फंसने लगे तो हर हमेशा रॉकी भाई नाम का मसीहा आता है। आता है कि नहीं बोलो दोस्त? तो और रॉकी भाई ऐसा मसीहा है जो कोई भी प्रॉब्लम हो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो है या नहीं बोलो? तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन रॉकी भाई है कि नहीं? तो यहां पर भी जो मेथड आएगा वो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, अब बड़े ही आसानी से सॉल्व करेगा, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं मेथड 4, को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। को प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? ये एलसीएम का रॉकी भाई है। क्लियर?
रॉकी भाई जानते हैं ना आप लोग या नहीं जानते? कुछ लोग मतलब रिएक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब जानते नहीं आप लोग रॉकी भाई कौन है? केजीएफ नहीं देखे हो? अब मरे जिंदा रहे उसे क्या मतलब है, वो कैरेक्टर हमेशा जिंदा रहेगा ना। गजब करते हो। शम्मी कपूर कब का डेथ कर चुके हैं, उनका कैरेक्टर कोई भूल पाएगा? गजब करते हो यार। वो एक मूवी था ना, उसमें जो बोलता है पच्छा उठा गाड़ी दरकार, गुलाबी गुलाबी, पेरेंट्स उसमें बोलते ना बाबू, क्या नाम है उस एक्टर का, एक्टर जो उसमें रहता है क्या नाम रहता है, जो भी नाम हो, तो उसका पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे पल्सर चाहिए ना, तो बोलता है पच्छा उठा गाड़ी दरकार। वो एक्टर अब जिंदा है क्या? कोविड के टाइम में डेथ कर गए शायद, ये सर ना। तो मिहिर दास यदि वो डेथ कर गए तो क्या उनका कैरेक्टर मर जाएगा ओडिया इंडस्ट्री में? वो हमेशा जिंदा रहेगा। यही तो है एक्टिंग का लाइन, आपका शरीर मर सकता है लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं मरेगा कभी। अमरीश पुरी को कौन नहीं जानता, समझ रहे हो? तो अब हम लोग बात करते हैं को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, थोड़ा सा समझना दोस्त। को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? मैं आपसे पूछा था एलसीएम किसका, 15, 18, 36 का, ठीक है? हर एक नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में हम लोग लिखेंगे, किसके टर्म में लिखेंगे बोलो दोस्त? को प्राइम नंबर के टर्म में लिखना है, क्लियर है? बोलो दोस्त। को प्राइम का मतलब जानते हो ना क्या होता है, बोलो तो? जिसका ओनली वन कॉमन फैक्टर, और वो भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन, क्लियर? उसी को क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो 15 को ऐसा सेट ऑफ नंबर बताओ क्या लिख सकते हैं, 3 और 5। इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या? बोलेंगे सर 1 और 15 लिखेंगे, 3 और 5, यस और नो? गलती से मिस्टेक कर दिया मेरी माँ, क्लियर? 18 को क्या लिखेंगे, 6, 9, को प्राइम होगा वो, बैल क्या लिखेंगे, 2 और 9। 3 और 6 भी नहीं होगा, उसमें 2 कॉमन फैक्टर मिल जाए, 1 और 3, यस और नो? ऐसा कॉमन फैक्टर लो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, क्या, 1, तभी को प्राइम होगा। 36 को क्या लिखेंगे, 4 और, यस और नो? कोई दिक्कत? अब खुश मत हो जाना, अभी सुनो ध्यान से। को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, बोलो दोस्त, लिखने में बिजी नहीं रहो, सुनो ध्यान से, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है। जब हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसके बाद अपने को क्या करना है, जब एलसीएम लिखने का बारी आएगा हम लोग बन जाएंगे कंजूस। क्या बनेंगे? कंजूस बनेंगे, ठीक है? और जब हम लोग कंजूस बनकर लिखेंगे पक्का एलसीएम सही लिखाएगा, और यदि कंजूसी नहीं किए पक्का एलसीएम गलत लिखाएगा, ठीक है? कंजूस कैसे बनेंगे देखो, एलसीएम लिखना है ना, ठीक, तो पहले 3 × 5 लिख ले, 3 × 5, अब क्या लिखना, 2 एंड, यहां पर 2 है क्या, तो 2 लिख देंगे, 9 है क्या, तो क्या 9 लिख देंगे, नहीं, 9 के लिए 3 है यहां पर, और एक 3 दे देंगे, 9 बन जाए, क्योंकि हम कंजूस है, नहीं तो फिर 9 लिख देते, कंजूस है इसलिए 3 लिखे, काम चल जाएगा, यस और नो? 9 बन गया, अब क्या लिखना है, 4 के लिए 2 है यहां पर, क्या लिखेंगे, 2, अब क्या लिखना, 9 ऑलरेडी है यहां पर, 3, 9 तो है यहां पर, फिर लिखने क्या जरूरत है, हो गया, क्लियर? यही हो गया एलसीएम, कितना हो जाएगा, क्लियर? समझ में आया? आपको कंजूस बन के रहना पड़ेगा तब जाके एलसीएम लिख पाएंगे, क्लियर? आगे बढ़े, हाँ, अखंड मूर्ख है रे, कहाँ से ये आई हैं?
महामूर्ख जिसको बोलते वही हैं आप। 3 6 3 का फैक्टर बताओ क्या क्या होगा, 6 का क्या क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है और कुछ नहीं है। 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, कितना होना चाहिए था, इसीलिए नहीं लिखे। हो गया, आगे बढ़े, कोई डाउट? अच्छा, जब हम लोग यहां तक पढ़ लिए दोस्त, तो अब थोड़ा सा गेम को और बदलते हैं, बदला जाए। चलो एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग बताइएगा। एलसीएम ऑफ 4 5 8 10 4 5 8 10 12, इसका एलसीएम बताओ, बता पाएंगे? जल्दी से लिखना है, को प्राइम फैक्टराइजेशन तुरंत लिखना है, इतना टाइम नहीं दे सकते, इतना देर में आंसर आ जाना चाहिए था। 4 को क्या लिखेंगे, 2 into 2, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का को प्राइम आप नहीं निकाल सकते, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका को प्राइम नहीं निकाल सकते, ठीक है? हाँ रुको, जो भी हो आंसर आ गया ना। अब क्या लिखना, 5, तो 5 के लिए तो 5 लिखना पड़ेगा, 8 के लिए देखो 4 है ऑलरेडी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2, 10, 5 और 2 10 बन गया है ना। अब क्या लिखना, 12, यहाँ पर कितना है, 4 into 3 हो गया, 30 into 3 90, 2 4 8 40, 120, एलसीएम कितना हो जाएगा, खत्म, क्लियर? आप जानते हैं सीपीओ का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर? बहुत बड़ा क्या रॉकेट साइंस था, इसमें कंजूस बनना है खाली, है ना? आगे बढ़े, बोलो दोस्त, समझ रहे हो आप, रितु समझी? चलो अंबा, आओ गुटे क्वेश्चन लो, बनाओ सामने क्वेश्चन बनाओ ना। एलसीएम ऑफ 22 44 49 बनाइए। हो गया दोस्त, कितना है, 2156 आ रहा है, इनका 616 आ रहा है, कैसे? देखते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 into 11, 44 के लिए 4 into 11 चाहिए, तो इंटू 2 दे देंगे, यस और नो, इंटू 7 into 7, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2156, क्लियर? कोई डाउट? एलसीएम निकालना सीख लिए? अब देखो छोटा मोटा एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आता है, उड़ीसा गवर्नमेंट में तो भर भर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी छोटा मोटा एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछेगा एलसीएम निकालो। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, जैसे क्वेश्चन अपने पास, हाँ दिल्ली पुलिस का कॉन्स्टेबल एग्जाम में आया था, बन गया दोस्त?
किसका किसका लिखना है? 98 145 505 ठीक है। अब देखो LCM लिखना है ना, क्या लिखेंगे इसको? 2 into ठीक है। तो जब इस तरह से लिखी रहे तो इसको इस मेथड से क्यों बनाना, इसको तब अलग मेथड से बनाते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं। यस और नो? 5 into कितना होगा? 29। यस और नो? बोलो दोस्त। अच्छा, और इसको 505 को क्या लिखेंगे? 5 into 10 ठीक है। तो LCM क्या हो जाएगा? 2 into 5 into 29 into 101 ये सुनो, अब इसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए दिक्कत हो रहा है। आप देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप गधे हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है? जो भी नंबर होगा इन चारों में से तो कोई होगा, ऑप्शन दिया होंगे नहीं, उसे गेम खेल लेंगे नहीं ठीक है। अब देखो यहां पर दिख रहा है प्यारा सा नंबर 7, पहले तो 5 भी दिख रहा, 5 से डिविजिबल ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अब इन तीनों में से कोई भी होगा, क्यों नहीं है 5 से डिविजिबल? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 1 आ गया, 5 से डिविजिबल वही होगा जो यूनिट डिजिट पे 0 और 5 देगा, वो कट गया। अब 7 से डिविजिबल होना चाहिए, देखो तो फुल 7 से नहीं, 36 नहीं, 12 नहीं, मतलब ये नंबर नहीं है। यस और नो? बोलो दोस्त। यहां पर 18 नहीं है, 52 नहीं है, 01 नहीं है, खत्म, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा, हो गया, समझ में आया बात? चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके यही आएगा, हम मल्टीप्लाई नहीं किया, हम ऑप्शन से खेल लिए, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो स्पीड आपका ऐसा होना चाहिए, 7 से चेक किया, जैसे 14 डिविजिबल है, 35 डिविजिबल, 21 डिविजिबल, तो नंबर होगा ही, चेक कर लिए कौन कौन सा नहीं है, तीनों नहीं था, मतलब यही होगा, बात खत्म, जैसे आप चलो, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। बोलो दो, देख लो कौन सा एग्जाम में है, कॉन्स्टेबल में है, कब? 2018 क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बना क्या कहती हुआ है? 52 78 156। अरे भैया इसको बना क्यों रहे हो? देखो तो 52 से डिविजिबल है 156, 78 से डिविजिबल 156, 156 तो खुद से डिविजिबल होगा ही, आंसर इज 156। मुझे याद नहीं, अरे सुनो 156 आपको बताया था ना, मेथड 4 टाइम एंड वर्क मेथड, बड़ा वाला नंबर लो, उसका मल्टीपल ढूंढो सभी से, 156 बन जा 156, 52 से डिविजिबल है, 78 से डिविजिबल है, 156 से डिविजिबल, आंसर हो गया, है ना। चारों मेथड आपको कहीं ना कहीं यूज आएगा, हर मेथड का यूज है सारा चीज आपको, इसलिए मैं क्वेश्चन करा दिया, क्लियर है। इसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं था कि आप इसको को प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वो ज्यादा लंबा पड़ेगा। यस और नो? को प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ज्यादा लंबा पड़ेगा, दिमाग को एक्टिवेट रखना है, आंसर तुरंत आ जाएगा, क्लियर, समझ में आई बातें? अब HCF पे चले, LCM सीख गए, क्वेश्चन भी कर लिए, सारा क्वेश्चन आपसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन किस लेवल का, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन आता है ना। आगे बढ़े, बिरयानी लग रहा है, अब इतना इजी तो है, 4 times 3 times 2 times। अब ये टेबल आपको याद नहीं है तो दिक्कत तो होगा, बाहुबली टेबल याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है 2 से 6 हो रहा है 3 times में, मतलब होगा 5 या 15, वो भी हो जा रहा है, 8 का डबल होता है 6
और 7 2 14 14 और 1 5 15 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, आगे बढ़े, डोर लगा दो, क्लियर है, यूनिट डिजिट का गेम मु कौन कर भी? आगे बढ़े, एलसीएम के बारे में हर एक चीज हमने सीख ली, आप किसके बारे में बात करेंगे? एचसीएफ। ठीक है, फिर दोनों को क्लब करूंगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को क्लब करूंगा एक साथ, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात समझो दोस्त, फैक्टर, फैक्टर क्या होता है बोलो भाइयों बहनों, दोज नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली, दोज नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े जाए। अच्छा तो मुझे बता सकते हो फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा? 1 2 3 4 6 12 हर एक नंबर का फैक्टर शुरू होगा 1 से, खत्म कहां हो पे? खुद पे, यस और नो? 1 पे शुरू हो, खुद पे खत्म हो, फैक्टर कहलाता है, यस और नो? कोई दिक्कत? अच्छा, फैक्टर ऑफ 14 या 16 बोल दो, कितना होगा? 1 2 4 8 16 यस और नो? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त, फैक्टर ऑफ 18 1 2 3 6 9 फिर बोलो 18 ठीक है, फैक्टर का मतलब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिए, यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर का, कॉमन फैक्टर किसका बात कर रहे हैं? कॉमन फैक्टर, ठीक है, बारह 16 18 कॉमन फैक्टर क्या क्या है बोलो तो? 1 2 और कुछ है? नहीं है कुछ, यस और नो? 6 है क्या? नहीं, और कुछ नहीं, यस और नो? चलो अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, ठीक है, आगे बढ़े। देखो दोस्त, HCF 12 16 18 का HCF कितना होगा? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? तो यही होगा HCF, क्लियर है, नोट कर लियो।
आगे बढ़ जाए, बोलो दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा मीनिंग ऑफ HCF, क्या लिखेंगे? मीनिंग ऑफ HCF। HCF of given set of number is a number which can divide given number completely. ठीक है, विच कैन डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली, जो पूरा गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा सबसे बड़ा वाला नंबर, वही क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, आपको पता चला था अभी HCF 12 16 18 का क्या हुआ था? दो हुआ था। यस सर नो, बोलो दोस्त। तो 12 को आप 2 से डिवाइड करो, 16 को आप 2 से डिवाइड करो, या फिर 18 को आप 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तीनों ही केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहां तक हर एक बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, मीनिंग क्लियर। अच्छा, आप बता सकते हैं एड्रेस HCF कहाँ रहता है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में। यस सर नो, HCF हमेशा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। क्लियर, हो गया? तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो दोस्त। चलो, मेथड्स टू फाइंड आउट HCF, HCF निकालने का तरीका शुरू करें। मेथड वन, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। HCF 12 16 18 का आपको चाहिए था। यस सर नो, देखना ध्यान से, सबसे छोटा वाला नंबर लेना 12, उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देना। 1 टाइम्स 12, इस 4 से 12 को डिवाइड करना। अब 4 से 18 को डिवाइड करना, लास्ट डिवाइजर जो रहेगा उससे नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करना। क्लियर, 4 टाइम्स 16, 2, 2 से 4, 2 टाइम्स, तो HCF कितना हो गया? 2। क्लियर,
कोई डाउट? हो गया? Using division method, find HCF of this. एक question दिया हूँ, बनाइए. Using division method, find the HCF of this. हो गया? अरे भैया इतना लेट करोगे तो काम चलेगा क्या? सेवनटीन एटी फाइव से किसको डिवाइड करेंगे? 1995 को एक बार में. 1785 210 कट गया. 210 से किसको डिवाइड करेंगे? 1785 को. यस और नो? कोई दिक्कत? कितने बार में? आठ बार में. 1680 तो कितना आएगा? 105 से 210 को दो बार में कट कुटा के बराबर हो गया. बोलो. चलो लास्ट डिवाइजर क्या है? बोलो तो. 105 से किसको डिवाइड करेंगे? 3381 तो तीन बार में कर दें. 315 बचे कितना? 23 बचेगा ना? कहाँ पर? हाँ हाँ ठीक है. और दो बार में कर देते. 210 कितना बचेगा? 21 से 105 पांच बार में कटकुटा गया तो HCF कितना हो गया? बोलो. खत्म. क्लियर है? मेथड वन क्लियर? समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? लिख लो भैया. लास्ट बेंच में जो लास्ट में बैठे भैया उनको डाउट हो रहा है क्या? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े. अब आगे बढ़े जाए. मेथड वन क्लियर? अब मेथड टू का बात करें. क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. देखते हैं क्या होता है. HCF किसका किसका निकालना था? 12, 16, 18. हर एक नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में लिखो तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 16 को क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 4. 18 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू, ठीक है,
कोई दिक्कत? अब देखो, हर एक प्राइम नंबर का लोएस्ट पावर जो होगा वो एचसीएफ होगा, हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर क्या होता था? एलसीएम। तो हर एक प्राइम नंबर का लोएस्ट पावर जो होगा क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ टू एक प्राइम नंबर है, उसका लोएस्ट पावर कितना है? 2 to the 1। यस ओ नो? 3 एक आपका प्राइम नंबर है, उसका लोएस्ट पावर कितना है? नहीं, 3 to the 0। यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 3 to the 0 है। यस ओर नो? कितना हो जाएगा? 2। एचसीएफ कितना हो गया? क्लियर? कोई डाउट? बोलो दोस्त। बीजू भैया समझा? छोटा बीजू जोर से। ऑथर कोठी, ये चीज समझे कि नहीं? ये भी समझे हो? वन लिख दिया उसके साथ। यहां पर समझे, एचसीएफ क्या होता है? हर एक प्राइम नंबर का लोएस्ट पावर। टू एक प्राइम नंबर, उसका लोएस्ट पावर क्या है? 1, 2 to the 1। 3 एक लोएस्ट प्राइम नंबर, उसका लोएस्ट पावर क्या है? 0, 3 to the 0। तो क्या होगा? 2 into 3 to the 0, 3 to the 0 कितना होता है? 1, 2 into 1, 2। क्लियर? तो एचसीएफ में क्या करना है आपको? लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? हाँ, कहेंगे टू तो सबूज अगर अच्छी ना जदि ना था अंतर। क्लियर? यदि सिर्फ प्राइम नंबर रहता तो उसका एचसीएफ 1 होता। जब कभी भी सिर्फ प्राइम नंबर हो तो उसका एचसीएफ कितना होगा? 1। क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? इरेज कर दूं? बोलो दोस्त। चलो यहां तक हो गया। चलो यहां तक खत्म है। अब आगे बढ़े, कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन अपने पास स्टोर होके डाटा है, काम आ जाएगा कभी जरूरत पड़ेगा अभी तो। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़े। चलो यहां तक क्लियर। अब हम लोग बात करें मेथड 3। मेथड 3 ठीक है। मेथड 3 जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, इसको आप लोग बोल सकते हो प्रो मेथड। इसको ऐसे बोला जाता है डिफरेंस मेथड। क्या बोला जाता है? डिफरेंस मेथड। ठीक है, समझना क्या होता है। एचसीएफ जब भी हम लोग निकालते हैं दोस्त, किसका एचसीएफ पूछा गया? 12, 16, 18। ये सर नो, 12 का फैक्टर कहां से कहां तक मूव करेगा बता दो? 1 से लेकर 12 तक, 16 का 1 से लेकर 16 तक, और 18 का 1 से लेकर 18 तक। ये सर नो, एक गया 12 तक, एक गया 16 तक, एक गया 18 तक। तो तीनों में कॉमन फैक्टर कहां तक आएगा? 12 तक के ही रहेगा ना। यस और नो? बोलो दोस्त, जो कॉन्सेप्ट समझाया समझ रहे हो? बाद में मत बोलना कैसे हुआ, इधर उधर देखो, देख रही है? तुम जाओ जिम ही करो, तुम इधर मत बैठो। इंसान जरूरत से ज्यादा यदि किसी चीज को करने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाहे कोई भी चीज करें, आप पढ़ाई करें, मूवी देखें, जिम करें, रनिंग करें, या किसी के साथ डेट करें, जब जरूरत से ज्यादा करने लगे उसको क्या बोला जाएगा? पागलपन। यस और नो? और इसीलिए बादशाह गाना बनाए, लड़की पागल है, पागल है, इतना जिम
नहले मुंडर गुंडर रही वो नहीं टिके भी आगे बढ़े। चलो देखो दोस्त, HCF किसका इसका था? अब देखना दोस्त, मैं बोला एक का HCF फैक्टर जो वो एक से लेकर 12 तक चल रहा है, दूसरा का फैक्टर एक से 16 तक चल रहा है, तीसरा का फैक्टर एक से 18 तक चल रहा है, तो कॉमन फैक्टर का रेंज क्या होगा? एक से 12 तक, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। इन तीनों का HCF सबसे छोटा वाला नंबर होगा या फिर उससे भी कम होगा? या तो 12 होगा या फिर उससे भी कम होगा, हाँ या ना? ये बात क्लियर है सभी को? अम्बा रितु क्लियर? या तो 12 होगा या फिर उससे भी कम होगा। अब देखो 12 को 12 से डिवाइड करो, इस 12 को 12 से डिवाइड करो, हो जा रहा है 16 से डिवाइड, 16 को 12 से डिवाइड करो, होगा क्या? इसका मतलब क्या 12 HCF? यस सर नो? इसका मतलब क्या पता चला? दिस इंप्लाइज HCF इज नॉट इक्वल टू 12, है ना? 12 तो नहीं होगा HCF, क्यों? क्योंकि 12 से तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। यस और नो? इसका मतलब क्या पता चला? HCF जो होगा क्या होगा बोलो दोस्त? 12 से कम होगा। तो 12 से जो कम होगा क्या होगा, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना है यहां पर? यहां पर डिफरेंस कितना है? 2। छोटा वाला डिफरेंस क्या है? तो यहां से पता चला HCF जो होगा या तो 2 होगा या फिर उससे भी कम होगा। क्या बोला? HCF या तो 2 होगा या फिर उससे भी कम होगा। 2 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, 2 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, 2 से डिवाइड करके देखो हो रहा है। इसका मतलब क्या पता चला? HCF क्या है? HCF इज 2। समझ में आया? कोई दिक्कत? सबसे इजी मेथड है, लेकिन हर एक मेथड का अपना अपना यूज है। सब मेथड एग्जाम में आता है, कभी इस मेथड से बनेगा, कभी मेथड 2 से बनेगा, कभी मेथड 1 से बनेगा। हर मेथड का अपना अपना यूज है, इसलिए मैं तीनों मेथड बताया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलो हो गया यहां तक? बोलो भैया क्लियर? अब इसी को मैं जनरलाइज करके लिख दे रहा हूं। देखो 12 को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं k इंटू एक्स, यस और नो? सेट ऑफ को प्राइम नंबर। क्या लिखा हूं? सेट ऑफ को प्राइम नंबर। क्लियर? बोलो भैया। 16 को लिख सकते हैं k इंटू एक्स डैश, और 18 क्या लिख सकते हैं? k इंटू एक्स डबल डैश, सेट ऑफ को प्राइम नंबर। ये सुनो, तो यहां से HCF क्या होगा? HCF जो होगा तीनों में जो कॉमन है क्या है? यही HCF होगा। यस और नो? यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालें क्या आएगा? x माइनस एक्स डैश, इन दो, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? x डैश माइनस, यहां से भी HCF क्या पता चल रहा है? यस और नो? बोलो दोस्त। अब यदि मैं LCM का बात करूं, LCM क्या होगा? देखो KX क्या है? को प्राइम नंबर है। KX डैश क्या है? को प्राइम नंबर है। KX डबल डैश क्या है? को प्राइम नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं K इंटू एक्स इंटू एक्स डैश इंटू एक्स डबल डैश, कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं, सब को प्राइम है, यही तो LCM होगा, हाँ है ना? और K क्या है? HCF। यस सर नो? LCM बराबर जो होगा ना HCF इंटू एक्स इंटू एक्स डैश इंटू एक्स डबल डैश होगा, हाँ है ना? तो LCM का जो वैल्यू होगा HCF इंटू को प्राइम नंबर्स क्या होगा? को प्राइम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहला और ये लास्ट।
ठीक है। हो गया तक? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है? पक्का लिख लियो तो? अच्छा एक चीज और बता दूं, जब यहां तक बात की तो और एक चीज बता दें। देखो जब आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन बेसिक पढ़ चुके हैं ना, यस और नो? जब हम बोलते हैं रेशियो है ये, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यस और नो? 5:9 यदि बोल दिया हूं तो उसको मैं 15:27 नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? 5:9 ही बोलेंगे। क्लियर? सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को बोला जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलने का मतलब क्या होता है कि को प्राइम रेशियो होता है, उसके बीच में कुछ प्राइम नहीं होता है, उसमें कॉमन कुछ नहीं होता है। क्या होता है वो? को प्राइम होता है, यस और नो? तो हम लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एलसीएम इज एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ नंबर्स, बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो जो रहता है को प्राइम का सेट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यस और नो? समझ में आई बातें? यदि नंबर रेशियो में दिया रहेगा तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? अब यहां इन दोनों बातों से क्या पता चला? एच सी एफ इज ऑलवेज हिडन इनसाइड एलसीएम, यस और नो? एलसीएम के अंदर में हमेशा एचसीएफ छिपा होता है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? पक्का लिख लियो। बैच 39 ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर बैच में टॉपिक बदल जाता है। आपके बैच में जो भी जो पढ़ाया था इधर थोड़ा सा अलग हो गया, वो थोड़ा थोड़ा चलते रहता है, हर जगह अलग बैच, अगले बैच में पढ़ोगे और कुछ नया मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं। हो गया यहां तक? आगे बढ़े। बोलो दोस्त, क्वेश्चन भी अलग हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है और कुछ नहीं। आगे बढ़े। आप लोगों ने यहां तक तो पढ़ाया ही था, ये सब चीज तो पढ़ाया ही था, ये सब चीज खाली लिखवाया नहीं था, बात वही है, सेम चीज को लिखवा रहे, है ना? आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन है अपने पास, इसको बनाना है, बन जाएगा? देखो ये सब डायरेक्ट जो एलसीएम पूछेगा, एचसीएफ फाइंड दी एलसीएम, फाइंड दी एचसीएफ, वो सब कॉन्स्टेबल लेवल का एग्जाम में पूछेगा, ठीक है? बड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर? बड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर? देखो दोस्त, और छोटे एग्जाम क्वेश्चन के बनाने के लिए यदि आप पेन उठाते तो मतलब वो एक क्राइम होता है। 90% क्वेश्चन देख के बनना चाहिए। क्या पूछा गया है? एचसीएफ। एचसीएफ इन चारों में से तो कोई एक होगा, पांचवा कोई आएगा क्या? इन चारों में से कोई एक हो, डोर लगाओ, कब दिमाग लगाएगी, ठीक है? अच्छा देखो, 408 दे रखा है, 1309 दे रखा है, 15 कभी होगा क्या? नहीं होगा, यस और नो? बोलो भैया, कोई दिक्कत? अच्छा आप देखो, 19 हो सकता है क्या? 19 होगा क्या? 19 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा है? 19 से डिवाइड करके देखो, हो रहा है? नहीं हो रहा है, 19 भी नहीं होगा। 21 से डिवाइड करके देखो तो 21 बन जा, 21 बचे कितना? 198 आता है क्या? बोलो तो,
198 आएगा, 9 बार में 189 आएगा, बच जाएगा, यस और नो? तो क्या होगा? खतरा कुछ था, बोलो भैया, खत्म हो गया, यही आंसर है ना? कोई दिक्कत? डिवाइड करके चेक कर लिया, आपको बताया था ना एचसीएफ जो होता है डिवाइड करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे होता है या नहीं, वही बात को यहां लगा दिया, इतू सा बात पे क्वेश्चन बना दिया। क्लियर? आगे बढ़े, आपको मैं सब कुछ पढ़ा दे रहा हूं, एकदम हलू हलो क्वेश्चन ही था। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये, बोलो सर इसको तो नहीं छोड़ेंगे, बना लेंगे, हाँ है ना, बन जाएगा? तो ये कुछ नहीं, यूपी पुलिस वाला है, बन जाएगा, उड़ीसा पुलिस में भी ऐसे ही आता है, कुछ अलग नहीं आता है। कितना? 26। देखो देखो ऑप्शन कितना अच्छा माहिर लोग बनाया, कहां कहां से लोग आते हैं पता नहीं। सबसे छोटा वाला नंबर क्या दिया हुआ है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उससे बड़ा वाला नंबर कभी होगा? बुढ़ो वक्त लोग कहां काम देता है। 26 से देखो डिवाइड करके हो गया, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये हो रहा है, बोलो तो 6 बार में हो जा रहा है, यस और नो? 1800 एचसीएफ इज खत्म। क्लियर? बोलो भैया, बोले सर वो तो 13 से भी हो रहा है। एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा वाला नंबर, उससे छोटा नहीं लेना है। क्लियर हो गया? एचसीएफ निकालना सीख लिया हम लोग, बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं है? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, अभी सब छोटा छोटा एग्जाम वाला क्वेश्चन दिया, फिर रेलवे वाला दूंगा, फिर एसएससी पे आएंगे, ठीक है? क्या बोला गया? इफ थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड द एलसीएम इज इतना, देन द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड नंबर एंड द फर्स्ट नंबर इज, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर इज, बनाना है दोस्त बनाइए। थोड़ा जल्दी बनाइए, एलसीएम दे दिया 2415 बनाई। बन गया? कितना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त। और कोई बनाइए,
देखो दोस्त, अभी आपको बताया था एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू रेशियो, 3 × 5 × 7, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2415। यस और नो? 5 × 3 = 15, 15 से काट दो सीधा सीधी, 15 × 15 = 9 हो गया, 7 से काट दो कितने बार में, 23 बार में, यस और नो? तो k का वैल्यू कितना आ गया, 23, और k है क्या, HCF ही तो है, यस और नो? तो आप देखो नंबर दे रखा 3 × 5 × 7, मतलब 3k, 5k और 7k, ये दिया हुआ ना, बोलो दोस्त, 3k, 5k और 7k, डिफरेंस कितना k का है, 2k, सेकेंड और थर्ड का बीच में पूछा गया रेशियो डिफरेंस, तो 2k का वैल्यू कितना होगा, दैट इज खत्म। क्लियर, समझ में आई सभी को? अंबा रितु, आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन दिया बनाइए, तो क्या बोला गया, What is the greatest possible length which can be used to measure exactly the length of 5 meter, 9 centimeter, 8 meter and 16 meters, 65 centimeter. इनको मेजर करने के लिए जो स्केल का जरूरत पड़ेगा, सबसे बड़ा स्केल क्या हो सकता है जो इसको मेजर कर पाए। क्लियर, ये क्वेश्चन है ना दोस्त। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 595 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, यस और नो? फिर 800, फिर 1665, यस और नो? बोलो भाइयों बहनों। अच्छा अब देखो ये सब किससे डिविजिबल होगा, डिफरेंस कितने का, 205 का, यहां पर डिफरेंस कितने का, 865 का। एच सी एफ या तो 205 होगा या फिर उससे भी कम होगा, ये सर नो? 205 से देखो ये डिविजिबल है क्या, नहीं है। क्लियर, और इसका फैक्टर क्या क्या आता है, 5 आता है और कितना आ जाएगा, 5 × 20 41, ये सर नो? बोलो 41 से डिविजिबल है, ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा, ये सुनो, तो 41 तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, 5 क्या, 5 सेंटीमीटर, खत्म। क्लियर आओ थे, दो सौ पांच तो एचसीएफ नहीं है ना, 205 से डिविजिबल नहीं है, है क्या ये, है क्या ये, है क्या, नहीं है। तो 205 यदि नहीं है, इसका मतलब क्या, 205 से कम होगा ना दोस्त, बोलो दोस्त, एचसीएफ जो होगा 205 से कम होगा। अब क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग 205 का फैक्टर निकाल लेंगे, क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 41 होगा, 205 होगा, ये तो फैक्टर होगा, 205 तो हुआ नहीं, उल्टा चलेंगे, 41 देखो, 41 से डिविजिबल ये हो सकता है लेकिन ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब किसे चेक करेंगे, 5 से चेक करें, हो रहा है, मतलब सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, इसलिए 5 सेंटीमीटर को टिक मारे, 5 मीटर को टिक नहीं मारे। क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, तो बोल सकते हैं,
बोलो दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से लिख लीजिए। आगे बढ़े, बोलो दोस्त। अब अगला टॉपिक लिखिएगा। अबे कहाँ गया ये? उड़ गया है ना? हम सोचे थे गया कहाँ, अब उड़ाएंगे। ठीक है, अब लिखिएगा LCM HCF ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। बढ़िया के? देखो दोस्त, फ्रैक्शन कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है कि नहीं? ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ एंड सो ऑन टाइप, इस टाइप का नंबर को फ्रैक्शन बोलते हैं। हाँ है ना? इसका अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो होगा ना क्या होगा, और यदि एचसीएफ होगा तो एचसीएफ क्या होगा, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? एलसीएम जो होगा दोस्त, एलसीएम किसका, इसका ए सी ई एंड सो ऑन बाय एचसीएफ ऑफ बी डी एफ एंड सो। यहां पर जो एच सी एफ होगा दोस्त, ये होगा एच सी एफ ऑफ ए सी ई एंड सो बाय एल सी एम ऑफ बी डी एफ एंड सो। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो यहां से क्या पता चला, एलसीएम जो होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होता है, क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यस और नो? यहां पर एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर दोस्त? बोलो। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गया, जब हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे तो न्यूमरेटर का क्या निकलेगा, एलसीएम। जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो न्यूमरेटर का क्या निकलेगा, एचसीएफ। ठीक है, जो निकाल रहे हो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में वही आएगा। क्लियर है? नोट इट डन। हो गया दोस्त? अब आगे बढ़े, लिख लिए? चलो एक क्वेश्चन। आप लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से एलसीएम निकालते हैं, अब उस तरीके से नहीं निकालेंगे। कीप इन माइंड, आपको जैसे सिखाया गया वैसे निकालेंगे, तभी आप लोग का प्रो होंगे उसमें। नहीं तो आज सीख गए, कल से फिर उसी तरीके से निकाल, सर अभ्यास अच्छी, इस तरीके से करने से कभी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है? अरे यार ऐसे साइलेंट होगे तो अब नहीं पढ़ाऊंगा। अबे समझ में आ रहा है, इंटरेक्ट तो करो, ऐसे बोल रहे हो तो फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मजा नहीं आता इसे पढ़ाने में। लिख लिए क्वेश्चन? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। एलसीएम पूछा गया ना,
किसका? 3/7 और 18/52 का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 और 18 बाय किसका? 7 and 52। एलसीएम 3 18 कितना होगा? 18। एचसीएफ 7/52 का कितना होगा? 1, दैट इज 18। ऑप्शन नंबर सी खत्म। 7 और 52 का एलसीएम एचसीएफ 1 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों को प्राइम है। यस सर नो? हो गया। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? आगे बढ़े। कौन बे टिक्के टिक्के कर चुका है। चलो जल्दी जल्दी, हम लोग एलसीएम में चल रहे हैं ना। चलो करो। देख पा रहे हो क्वेश्चन? एलसीएम पूछा जा रहा है किसका? एलसीएम निकालना है दोस्त 9/10 का, 12/25 का, 18/35 का एंड 21/40 का। तो एलसीएम क्या होगा दोस्त? एलसीएम ऑफ 9, 12, 18, 21 बाय एचसीएफ ऑफ 10, 25, 35, 40। यस और नो? चलो अब बात करेंगे एलसीएम का। किसका? न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा? 9 लिखा मतलब 3 into 3, 12 लिखना है 3 into 4, 18 लिखना है, ठीक है? यहाँ पर 18 लिखा हुआ ऑलरेडी, देखो 3 into 2, 6 into 3, 4 के अंदर 2 होता है, 18 लिखा हुआ है। ये सर ना 18 लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या लिखना? 21, तो 7 दे देंगे, 21 बन गया। बाय एस सी एफ 10, 25, 35, 40, 5 होगा। ये सर ना 9 चौक 36 = 252 बाय 5। डिफरेंस 5 आ रहा है ना? 5 है ला। एच सी एफ बाहरी हो गिमती बुझिए ला अंबा। हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये आपके सामने क्वेश्चन, मैडम वो क्या कर रहे हैं आप? क्या किए हैं उधर? क्या किए हैं? पेपर फाड़िए, पूरा पेपर फाड़िए, वो फाड़ दीजिए, मुझे पता नहीं है, फाड़िए। अब नहीं करना इसे, बहुत तगड़ा तगड़ा पनिशमेंट दूंगा। आगे बढ़े। चलो इसका एचसीएफ पूछा गया ना दोस्त, जब मेरे सामने आप इसे करें, घर जा क्या कीजिएगा आप? आपसे क्या उम्मीद करेंगे? इसका एचसीएफ निकालना है दोस्त, बोले तो एचसीएफ निकालना है न्यूमरेटर का, बोले तो 3, 7, 9 सबका सब प्राइम नंबर है, टेंशन ही नहीं है। एलसीएम 4, 8, 20 है ना? 3, 7, 9 का एलसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1, 1 सब में है, कोई बात नहीं। 4, 8, 20 तो 2 × 2 × 2, 4 × 5 1/40। समझ में आया एलसीएम कैसे लिखा? 4 लिख दिया, 2 × 2, 8 चाहिए था, 4 है ऑलरेडी, 2 दे देंगे, 20 चाहिए, 4 है ऑलरेडी, 5 दे देंगे। नहीं क्यों ऐसे लिखना है? काटो उसको जल्दी से, अच्छा नहीं लगा, अच्छे से काटो। हाँ
कौन बे कौन असुविधा गजब बदमाश है। हो गया आगे बढ़े दोस्त समझ रहे हो। तो इतना मतलब चेहरे पे दिखने रहा चमक समझने वाला समझ रहे हो कि नहीं। बनेगा दोस्त कुछ तो है नहीं बना लो। 9 × 36 1/36 आंसर हो गया हटा। आंसर आ चुका है आप लोग बना रहे बैठ के बे सर हम लोग गजब कर रहे हो जल्दी बनाओ। अबे कुछ नहीं देखो 1 2 2 3 सब क्या लिखा हो प्राइम नंबर 1 होगा ऊपर में नीचे 3 3 9 12 तो 3 होगा यहां से 3 आ जाएगा 9। अब यहां पर 12 × 3 × 4 9 × 36 हो गया बना क्या रहे हो बैठ के। स्पीड हब्बो स्पीड इसको नहीं बोलते हैं पूछिएगा 37 बैच वालों से उनको अलजेब्रा पढ़ा रहे थे पूरा अलजेब्रा मतलब 1 घंटे में पूरा अलजेब्रा बोल सकते हैं ठीक है ना भैया आपके बगल में ही बैठा है मतलब कि वैसा स्पीड में जो बोला जाता है ना उसको आप 10x में भी सुनोगे ना 10x मतलब कि 10x स्पीड से भी ज़्यादा होगा वो वैसा बोला जा सकता है कुछ बड़ी बात नहीं है प्रैक्टिस का गेम है सिर्फ आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले चलो। अब यहाँ तक यदि हम लोग पढ़ लिए तो आप कुछ बात सीखते हैं समझना दोस्त। और आज के लिए लास्ट बात होगा इसके बाद आप और नहीं सीखेंगे बहुत सीख ली आप लोग का दिमाग अब भर गया होगा है ना कुछ देर में ब्लास्ट कर जाएगा है ना। अब सोचो इतना सारा दिमाग एक साथ ब्लास्ट करेगा तो बिल्डिंग का छत उड़ जाएगा ठीक है। तो हम ऐसा कुछ हरकत नहीं करेंगे थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दो नंबर के बीच में क्या रिश्ता होगा उनका एलसीएम और एचसीएफ का यदि दिया हो तो ठीक है। तो रिश्ता सिंपल सा यदि दो नंबर N1 और N2 है दोस्त तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा सिंपल सा रिश्ता है। क्या बोला दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा किसके बराबर होगा बोलो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है क्लियर। दो नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट के बराबर होगा क्लियर। क्वेश्चन को देखिएगा ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज एचसीएफ एंड एलसीएम आर इतना दे दिया है क्या होगा 320 गजब कितना स्पीड आप लोग बना लिए। N1 इंटू N2 पूछा गया है एलसीएम एचसीएफ दे दिया कितना 8 × 40 हो गया 320 ठीक है। अब बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है पिछले साल का ही है ना। अभी छोटा मोटा एग्जाम वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ बड़ा बड़ा भी अगले क्लास में आएगा ठीक है। एक ही बार ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकते नहीं तो आप लोग अभी तक हैंग हो गए होते। अभी तक बचे इसीलिए हो क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग ठीक है। नहीं दिख रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर सारे 150 25 इफ वन ऑफ दोज नंबर 50 दे दिया तो व्हाट विल बी सम ऑफ बोथ द नंबर तो N1 प्लस N2 आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन पहले आपको पहले निकालना पड़ेगा N2 निकालना पड़ेगा फिर दोनों का सम निकालना पड़ेगा ठीक है। देखते हैं N1 इंटू N2 दे दिया कि नहीं कितना इंटू 50 क्या बोलो बाद में बनाते ना इतना टेंशन क्या ले रहे हो 50 × N2 = 150 × 25 25 × 50 2 से 75
ये एन टू का वैल्यू है गधे 75, आपसे पूछा गया एन वन प्लस एन टू कितना होगा 75 के साथ 50 को जोड़ना पड़ेगा कितना हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर डी। खुश हो के मत मार, क्या जाना 75, ठीक है। कोई डाउट, आगे बढ़े, बोलो दोस्त, एक और क्वेश्चन करेंगे, बोलो यार, लिखे नहीं हो, लिख लो, खुश रहो, लो लिखो, लिख लिए, कोई कुछ बोल रहा है, किसी को घर जाना है, सर जिब्बी गुरु को हो गया, चलो आगे बढ़े, बोलो भाई बहनों, चलो एक और क्वेश्चन, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, कितना पढ़ेगा बोर हो जाओगे, है ना, ज़्यादा पढ़ने का नहीं, जितना पढ़ना है इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, कम पढ़ना है मजे से पढ़ना है, क्या हुआ क्वेश्चन बदल गया है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दोनों का प्रोडक्ट दे दिया 48, डिफरेंस बिटवीन देम इज 13, फाइंड द नंबर्स, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस 13 का है, ठीक है, और प्रोडक्ट कितने का है, बोलो 48, बनाने की जरूरत है इसको, देखो डिफरेंस हर जगह पे 13 का है, डिफरेंस हर जगह पे 13 का है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, यहां पर प्रोडक्ट है 48, यहां पर प्रोडक्ट 230, यहां पर प्रोडक्ट 198, यस नो, और यहां पर प्रोडक्ट 144, आंसर क्या होगा, खत्म, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का काम सिंपल सा होगा, जितना क्वेश्चन दिया हूं कराया हूं उतना आपको प्रैक्टिस करके आना, कुछ एक पीडीएफ जाएगा, उस पीडीएफ को करके आना, कोई दिक्कत, पक्का, आज ही पाएं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कंप्लीट।